अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज बात करने वाले हैं टोयोटा प्रियस के बारे में और इसकी कैलकुलेशन करेंगे। न्यू शेप और पुरानी शेप दोनों गाड़ियों के जो है आज डिटेल से बात करेंगे। ड्यूटी शीट जो है आप लोगों के साथ शेयर की जाएगी, जो न्यू अभी फ्रेश ड्यूटीज़ आई हैं, कस्टम ड्यूटी जो बढ़ी हैं अभी 50% रिबेट ख़त्म हो गया है, 100% हो गई है ड्यूटी, साथ में जो है RDB इम्पोज कर दी गई है 15%, तो उसकी वजह से कॉस्टिंग पे काफ़ी असर पड़ा है, तो इस पर भी बात करेंगे। और कुछ दोस्त जो हैं रابطہ करते हैं कि भाई हम शिनचू से رابطہ करते हैं और उनकी तरफ से कोई रिप्लाई नहीं आता, तो ऐसा है कि हज़ारों के हिसाब से जो है अगर रजिस्ट्रेशन जाती हैं तो उसमें मतलब इतने मैक्सिमम जो होते हैं वो फ्री में VIP ID पासवर्ड मांगना चाहते हैं या एक्सेस चाहते हैं, उनका कोई इम्पोर्ट करने का इरादा नहीं होता। तो उस सूरत में अगर किसी को हेल्प चाहिए तो बिल्कुल मुझसे رابطہ कर सकते हैं, और अगर आप सिक्योरिटी डिपॉजिट कर सकते हैं तभी رابطہ कीजिएगा, क्योंकि किसी सूरत आपको VIP ID पासवर्ड नहीं मिल सकता जब तक आप जापान अकाउंट में सिक्योरिटी डिपॉजिट ना कर लें। तो ये आप जहन नशीन कर लें। अगर आपने इम्पोर्ट भी करनी है तो बिल्कुल हम सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं, मैं आपको जो है इम्पोर्ट करके दे सकता हूँ। 0333-9366-392 पर मुझसे बात कर सकते हैं, इंशाल्लाह आपको अच्छी सर्विस प्रोवाइड की जाएगी। और यकमुश्त टोटल पेमेंट किसी ज़रूरत किसी सूरत में भी जो है ज़रूरत नहीं होती। फर्स्ट ऑफ ऑल आप सिक्योरिटी डिपॉजिट देंगे, उसके बाद बिडिंग स्टार्ट करेंगे, आपके मशवरे के मुताबिक आपके साथ शेयर की जाएगी गाड़ी कि भाई ये गाड़ी आज रात को बिड करना है, कल को रिजल्ट आएगा। तो जब आप गाड़ी विन करेंगे सिर्फ गाड़ी की पेमेंट करेंगे, लोडिंग के बाद आपने PRC के पैसे देने हैं। अगर आप खुद अरेंज कर सकते हैं तो आप फ्री में लेके मतलब हमें खाली कंसाइनी नेम देंगे, और जब गाड़ी कराची पोर्ट पर आएगी तो उसके बाद कस्टम ड्यूटी के पेमेंट आप खुद ही डायरेक्टली एजेंट को करेंगे। सारी प्रोसेस में इंशाल्लाह कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, हम सर्विस प्रोवाइड करेंगे, सिर्फ पैसे आपके होंगे, तो बिल्कुल रابطہ कर सकते हैं। तो स्टार्ट लेते हैं जी। यहाँ से अगर आप देखें तो सोल पे क्लिक किया हुआ है, और 2021 से नीचे हम रिपोर्ट नहीं कर सकते, 2024 भी कर सकते हैं लेकिन बहुत ज़्यादा हैवी हो जाएगा, 2023 तक हम इसमें चेक करते हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखें 2000 CC गाड़ी भी है, ये जो बहुत ही खूबसूरत है, ये असल में 2000 CC है, लेकिन मसला इसका ये है कि इसकी ड्यूटी भी इंतहाई ज़्यादा हो जाती है। इसकी जो पुरानी ड्यूटी थी 1.25 करोड़ थी आलमोस्ट, अभी तकरीबन वो 2.50 करोड़ के लगभग, 2.30 करोड़ के लगभग होगी, जो कि बिल्कुल नामुमकिन सी बात है, कौन इंपोर्ट करेगा, मतलब इतनी बड़ी और अच्छी गाड़ी है भी नहीं जितनी इसकी ड्यूटी ज़्यादा है। तो यहाँ पर अगर आप देखें 2000 CC को हटा के हम 1800 कर देते हैं तो न्यू शेप मतलब X और U हमारे पास आ जाएगी, और इसके अलावा जो पुरानी गाड़ी हैं तो इसमें X है 23 मॉडल है, ये ऑलरेडी मैंने खोली हुई है। और इसके अलावा यहाँ पे अगर आप देखें A प्रीमियम में, इसको भी खोल लेते हैं, 4.5 गियर की गाड़ी है, और अभी भी प्राइसेस काफ़ी ऊपर है, हमने इस तरह नहीं है कि प्राइसेस नीचे आई हैं। लोग कह रहे हैं कि भाई जापान पे काफ़ी असर पड़ा है, तो गलत बात है जी, क्योंकि मसला ये है कि अभी भी वही प्राइसेस चल रही हैं, कुछ इतना डिफरेंस नहीं आया हुआ। यहाँ पे अगर आप देखें इस गाड़ी की बेस वेरियंट 17,35,000, इससे पहले भी रेट में चल रही थी, इस सेफ्टी प्लस 2 पर वाइट गाड़ी जो है 4.5 गेट की मैंने मेरे ख्याल से 18,65,000 की उठाई थी, तो अभी भी तकरीबन वही प्राइसेस चल रही हैं। तो स्टार्ट लेते हैं यहाँ से। अगर आप देखें तो ये 28,37,000 में 5,000 चली हुई 6 ग्रेड की ऑलमोस्ट ब्रांड न्यू गाड़ी है, एक्स वेरिएंट है, बेस वेरिएंट है, न्यू शेप में 23 मॉडल, क्योंकि 22 की पुरानी शेप आ रही थी, 23 में जो है इसको न्यू शेप कर दिया गया। यहाँ पे अगर आप देखें तो 28,37,000 जो है बिड प्राइस है, 2 दिन पहले बिकी है, बहुत ही फ्रेश है, रिसेंटली बिकी है, और फ्रेट इसका 320-330 तक है, गाड़ी बड़ी है और फ्रेट्स बहुत बढ़ चुके हैं, तकरीबन 2 लाख के लगभग इसका फ्रेट आ रहा था पहले, और अभी 1 महीना पहले ये फ्रेट चल रही थी, अभी एकदम से रेट सी प्रॉब्लम की वजह से शिपिंग लाइन्स ने अपने रेट्स बढ़ा दिए हैं। अच्छा, यहाँ पे अगर आप 328 कर दें फ्रेट के मल्टीप्लाई 1.798 रेट चल रहा है, तो ये कर दें 56,82,000 आपने जापान भिजवा देंगे, तो यहाँ पे अगर आप इसकी कॉस्टिंग देखें तो 56,00,000 रुपये, चलो जहन मानता है क्योंकि हमारी करेंसी बहुत डी वैल्यू है। अब आते हैं जो है ड्यूटी पे, तो यहाँ पर शीट खोलते हैं जी। यहाँ पर अगर आप देखें तो प्रियस हाइब्रिड बिल्डेड 16/6 के बाद का होना चाहिए, जून का, तो खैर जुलाई में इसकी लोडिंग होगी, जुलाई के एंड में गैराज या इस गाड़ी को लेते हैं। एक्स की अगर आप ड्यूटी देखें तो एक्स की ड्यूटी है 80,47,000, इससे पहले इसकी ड्यूटी तकरीबन मेरे ख्याल 51 लाख थी, अभी 80,47,000 तक चली जा चुकी है, ठीक है, तो 80,47,000 ड्यूटी हो गई। अदर एक्सपेंस 160-165 तक आ जाता है कराची का, ये ऐड कर दिया साथ में। इसके बाद जी क्या ऐड करना है साथ में, PRC 80 लाख की आपको 7-7.5 लाख के लगभग मिलेगी, 7.5 लाख PRC की ऐड कर दें,
तो 1,40,00,000 में आपको ये गाड़ी कॉस्ट करेगी। इससे पहले जो वीडियो मैंने बनाई थी, जो 23 मॉडल एक्स बिल्कुल ब्रांड न्यू कंडीशन में 1,15,00,000 1,20,00,000 की रेंज में आपको गाड़ी पड़ रही थी, अभी जो है ड्यूटी ज़्यादा होने की वजह से तो 1,40,00,000 1,47,00,000 के लगभग ये आपको पड़ेगी। ये मैं चेक कर लेता हूँ कि बहुत ही अच्छे रेट में गई है। इससे और गाड़ी अगर आप देखें तो महंगी गई होंगी। यहाँ पे अगर आप देखें तो ये 2000 चली है, 2000 सीसी है, तो ये बहुत ज़्यादा हैवी और बहुत ही खूबसूरत गाड़ी है। एक्स्ट्रा फीचर्स होंगे इसके, लाइफ साइज़ को तो देखें आप और इसकी खूबसूरती को देखें। अच्छा जी, यहाँ पे अभी स्टार्ट लेते हैं इस इन गाड़ियों पे। अच्छा जी ये ये अगर आप देखें तो इसमें सनरूफ आया हुआ है मेरे ख्याल। जी, या तो ये कंपनी की तरफ से तो नहीं लग रहा लेकिन मॉडिफाइड किया गया है, लेकिन चले इसकी कैलकुलेशन कर लेते हैं। बहुत ही खूबसूरत गाड़ी है और ए प्रीमियम है। 26,81,000 में ये गाड़ी उठी है, तो चलो कर लेते हैं किस मॉडल है। 26,81,000 320 × 1.8 ड्यूटी की तरफ आते हैं जी। तो ए प्रीमियम 21 मॉडल की क्या ड्यूटी आ रही है हमारे पास। स्क्रीनशॉट अगर कोई बाय लेना चाहता है तो बिल्कुल ले सकता है। और यहाँ पे अगर आप देखें ए प्रीमियम यहाँ पे दो जो है आपके पास, ये यहाँ पे इसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट का जो है कोई चक्कर है। यहाँ पे जून 2021 जून के बाद की जो गाड़ियाँ ये मॉडल्स होती हैं, जो कि कुछ पहले बन जाती हैं कुछ बाद में, तो ये हिसाब होता है। तो हम ज़्यादा की तरफ कोशिश करेंगे कि ज़्यादा वाली ले लें। यहाँ पे अगर आप देखें तो ए प्रीमियम की ड्यूटी 70,00,000 है, यहाँ पे अगर आप देखें तो 72,00,000 है। तो चलो हम 72,00,000 वाली ले लेते हैं, ज़्यादा लेंगे कम नहीं लेंगे, कॉस्टिंग निकालें एस्टिमेट निकालें। तो 72,00,000 रुपए इसकी ड्यूटी है अब, इससे पहले तकरीबन ये कोई 37,00,000 37,00,000 के लगभग आ रही थी। तो अभी 72,00,000 ड्यूटी के डाल दें। और इसमें और क्या ऐड करना है जी, इसमें आप ऐड कर दें 160 × 700, तो 1,34,00,000 में आपको ये वाली गाड़ी कॉस्ट करेगी, जो कि बहुत ही ज़्यादा है। ज़्यादा इस वजह से है कि एक तो जापान की प्राइसेस की ज़्यादा है और दूसरा ये कि यहाँ पे ड्यूटी बढ़ गई है। इस अब आते हैं जी सस्ती गाड़ियों पे। भाई हमें सस्ती से सस्ती कौन सी गाड़ी जो है इसमें मिल सकती है। सर्च पे क्लिक किया मैंने जी और यहाँ पे गाड़ियाँ आ गई हमारे सामने। तो यहाँ पे अगर आप देखें ये वाली गाड़ी खोल लेते हैं, एस बेस वेरियंट है, एज अ टैक्सी यूज़ होती है वहाँ पर। और यहाँ पे अगर आप देखें तो ये गाड़ी भी अच्छी है, 4.5 ग्रेड की है, 15,80,000 के लगभग बिकी है। यहाँ पे अगर आप देखिए बड़ी प्यारी गाड़ी है, ब्लैक नज़र आ रही है और लेकिन ऊपर गई है काफ़ी ज़्यादा। ये फोर व्हील ड्राइव को स्किप कर देते हैं। और यहाँ पे अच्छा जी, यहाँ पे एक चीज़ थी, यहाँ पे अगर आप देखें तो ये फोर व्हील ड्राइव है। हमने कैलकुलेशन तो कर ली लेकिन ये फोर व्हील ड्राइव है। यहाँ पे फोर व्हील ड्राइव की ड्यूटी वैसे कन्फर्म कर लेते हैं अगर हमारे पास हो, यहाँ पर नहीं है लेकिन इतनी ही होगी तकरीबन। अच्छा जी, यहाँ पर इस पर बात कर रहे थे, इनको बंद कर देते हैं। और ये वाली 17,35,000 में गाड़ी उठी है, 620 है, ठीक है, कोई मसला नहीं है, 21 मॉडल ही है, क्योंकि 619 के बीच में से कुछ जो चेसिस हैं तो 619 तक जो है 20 मॉडल आ रही, 619 के मिड से जो है गाड़ियाँ, ये चीज़ मैटर करती है, आप ये कंफर्म कर लिया करें। 040 कोड है, मीन्स के वाइट ही है सिंबल। तो 17,35,000 की गाड़ी है और 320 × 1.8 इस बेस वेरिएंट की क्या ड्यूटी आ रही है हमारे पास 21 मॉडल की। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो एस की 58,95,000 के लगभग है, और दूसरी अगर आप देखें तो ये 59,00,000 है। तो 59,00,000 ले लेते हैं अंदाजन, 59,00,000 जमा क्या कहते हैं 160, और पीआरसी अगर आप इसकी लें तो पीआरसी आपको 59,00,000 की तकरीबन 5.5 लाख के लगभग शायद मिल जाए। तो 1,03,00,000 की आपको बेस वेरिएंट पड़ेगी। इससे पहले जो तकरीबन इसकी 70, 72, 73 के लगभग कॉस्टिंग आ रही थी, तकरीबन 30-35,00,000 का डिफरेंस आ गया इस गाड़ी में। अच्छा, ये भी कंडीशन अच्छी है, बहुत ही अच्छी है, लेकिन इसको अलॉय व्हील्स नहीं है, इस वजह से 15,79,000 की ये गाड़ी उठी है। ये जल्दी जल्दी कर लेते हैं, 1579 जमा 320 × 1.8 58,00,000 ड्यूटी मैंने अभी कहा, और 160 जमा 5.5 लाख, तो 99,28,000 में ये वाली गाड़ी कॉस्ट करेगी। इस तरह ये है, तो ये महंगी है, ये ब्लैक कलर में है, खूबसूरत गाड़ी है। इस सेफ्टी प्लस 2 जो हमने ली हुई है ऑलरेडी पर्ल वाइट कलर में,
और भाई ये हमारे उनके लिए हमने बजट से पहले ही थी, अभी कॉस्टिंग ज़्यादा आ रही है ड्यूटी की वजह से, लेकिन बहरहाल क्या कह सकते हैं, बिजनेस है आता रहता है इसमें। अच्छा जी, यहाँ पे 320 मल्टीप्लाई 1.8 कर दें। ड्यूटी SFT प्लस टू की क्या आ रही है जी, किस मॉडल? एक है 60 लाख रुपए और एक है 61 लाख। 61 लाख ले लेते हैं। 61 लाख जमा 160 जमा 82, इसकी तकरीबन आपको 5.5 की मिलेगी, 1 करोड़ 8 लाख के लगभग आपको ये कॉस्ट करेगी। बहुत ज़्यादा है जी, किसी गाड़ी 1800 CC है, ठीक है, वरना तो 10 मिलियन स्पेंड करना है इस पर, बहुत ही ज़्यादा है। इसमें अगर आप और जाए मतलब 3.5 ग्रेड पे, आर ग्रेड पे, तो शायद 12 लाख 12.5 लाख के लगभग भी आपको गाड़ी मिल सकती है। अभी यहाँ पे इसको देख लेंगे, मेरे ख्याल से 21 लिखा हुआ है, लेकिन 20 मॉडल होगी। इंटीरियर बड़ा रफ है, 600 साइड ही दूर लेते हैं, 621 ही है, अच्छे प्राइस में गई है, लेकिन इंटीरियर भी बहुत रफ है। और यहाँ पे इसका फ्रंट जो विंडशील्ड है उसको X3 है, नीड टू बी रिप्लेस मस्ट, और U3 है, छत पे भी बड़ा डेंट है, इस वजह से इसकी प्राइस थोड़ी सी कम है, वरना तो गाड़ी बहुत प्यारी है। अच्छा जी, यहाँ पे कोई और दूसरी गाड़ी हम चेक कर लेते हैं, ये वाली बड़ी अच्छी गाड़ी है, ये 24 लाख 42 हज़ार। तो जो अब लोग बात करते हैं कि भाई जापान पे काफ़ी असर पड़ा है, तो बिल्कुल गलत बात है। कॉस्टिंग तकरीबन जापान की प्राइस में कोई इतना डिफरेंस नहीं आया, अलबत्ता यहाँ पे ड्यूटी की वजह से काफ़ी कॉस्टिंग बढ़ी है। जो माल बाज़ार में ऑलरेडी मार्केट्स में पुराने रेट्स में आई हैं और खड़ी हैं, तो उसमें थोड़ा बहुत जो है जो शोरूम वाले हजरात हैं, ओनर्स हैं, उन्होंने थोड़ा बहुत उनमें जो है इंक्रीज किया हुआ है प्राइसेस में, क्योंकि वो जो अभी माल आ रहा है रास्ते में, जो उनका नुकसान होगा, तो उसी इस इन्हीं जो करंट गाड़ियां हैं जो कि खड़ी हैं अभी मार्केट्स में, तो उसी से पूरा करेंगे। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी, इंशाल्लाह करीब और गाड़ियों की टूटी शीट्स भी आप लोग के साथ शेयर की जाएगी। और दोबारा मैं बता रहा हूँ, अगर किसी को VIP ID पासवर्ड चाहिए, अगर डिपॉज़िट कर सकते हैं तो रब्ता करें, डिपॉज़िट स्लिप भी आपको इंशाल्लाह प्रोवाइड करेंगे डिपॉज़िट के बाद। अगर हाँ, अगर जापान डिपॉज़िट नहीं कर सकते तो यहाँ पे कोई मसला नहीं, यहाँ पे पाकिस्तानी अकाउंट में भी आप डिपॉज़िट कर सकते हैं, आपको ID पासवर्ड मिल जाएगी, जिसके थ्रू आपको फुल एक्सेस मिलेगा और आप साथ में बिडिंग भी उस पर कर सकते हैं। तो काइंडली लाइक भी करें हमारी वीडियो को, सब्सक्राइब भी करें। मुझे इजाज़त दें जी, अल्लाह हाफिज़।